माशाल्लाह, आप जरा हमारे दोस्तों को बताएं कि इस वक्त आप कहाँ काम करती हैं। मैं अभी PwC में हिंडा। माशाल्लाह, वाह, जिस ब्रांड को ज्वाइन करने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं, हाँ माशाल्लाह वहाँ पर हैं। हाउ डिड यू गॉट इंडक्टेड? मैंने ऑनलाइन ही सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट आते थे लिंक्डइन वगैरह पे, तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया ठीक था। है, कितने आपके इंटरव्यूज हुए थे? मेरे दो इंटरव्यूज हुए ठीक है। कुछ स्पेशल उसकी तैयारी की थी आपने? ये जस्ट यू वेंट ब्लैंक एंड जस्ट? मैंने सिर्फ थोड़े से स्टैंडर्ड्स और आइजास जो है ना वो थोड़े से प्रिपेयर करके नहीं किया। ठीक है, अच्छा, आप ऑडिट में हैं, आप टैक्सेशन में हैं, कंसल्टेंसी में हैं या ईआरपी में हैं आप? मैं ईआरपी में हूं, तो ये ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप है पीडब्ल्यूसी का, मैं अभी उसमें इंटर्न। ठीक है, कितना टाइम आपको हो चुका है? अराउंड 3 मंथ्स। जो हमारे स्टूडेंट्स अपकमिंग शाइनिंग स्टार्स ऑफ ACCA एंड CA जो जानना चाहते हैं कि जी ईआरपी में आगे क्या स्कोप है, तो अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे अभी जो आप वहाँ काम कर रही हो, नेचर ऑफ आपकी जॉब क्या है और फ्यूचर में आप क्या देखती हैं उसके अंदर? मैं अभी एट द पोजीशन ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट पर हायर हुई हूँ, और उसमें बेसिकली अभी जो फिलहाल मैं ओरेकल सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ। वाओ, गुड। तो हम बेसिकली जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हर चीज को ऑटोमेट करते हैं। ब्रांच फीजिबिलिटी, कोई भी चीज है तो हम मैनुअल लाइक एक्सेल को एलिमिनेट करवा के हर चीज सॉफ्टवेयर पे ला रहे हैं। बिल्कुल, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है जी, मेरी। जो हमने पढ़ा, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा, ऑडिट में पढ़ा, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े वो कितना काम आ रहे हैं इस वक्त? उसमें वो बहुत काम आ रहे हैं, बिकॉज बेसिकली अगर मैं किसी साइंस के बच्चे को बोलूं कि ये इसको ऑटोमेट करें, तो उसको टर्म्स ही नहीं पता। हमें ब्रांच फीजिबिलिटी पता है, हमें पता है ऑडिट में ये चीज है, लेकिन उनको वो टर्म्स से वो फैमिलियर है। शीरीन, अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है कि मैं किसी कंपनी में, किसी रेप्यूटेबल कंपनी में हायर हुई भी होंगी, और मे बी कोई और क्वालिफिकेशन भी साथ में परस्यू करें। जबरदस्त, इन्हें मजीद आगे बढ़ना है अभी, हमें कहानियां खत्म नहीं हुई है। वाओ, व्हाट अ मोटिवेशन, गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये मुझे बताएं कि जो बच्चे हमारे ये देख रहे हैं वीडियो शीरीन की और आपसे मोटिवेशन भी हासिल कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी आप इस वक्त? थोड़ा सा अगर मैं शेयर करूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है हमेशा की तरह, नेगेटिव हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना, अपने आप से कहना मुझसे नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, मैं टीचर्स को कैसे बताऊंगा, ये जो हम खुद ही नेगेटिव जोन में जा रहे हैं ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। मेरी इस वीडियो के तवसुत से तमाम अपने स्टूडेंट से, चाहे वो ACCA कर रहे हैं या वो CA कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, डोंट गो इन टू नेगेटिव जोन। यू नीड टू स्टे अराउंड विद पॉजिटिव पीपल, जो आपसे कह सकें, जो आपको ये यकीन दिलाएं कि यार तुमसे होगा, तुम इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे, चाहे ACCA कर रहे हैं या CA कर रहे हैं या कोई और आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परसू कर रहे हैं, अपने आप से कहें कि यार मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। जब आप इस जोन में जाएंगे तो आपसे इंशाल्लाह परफॉर्म भी होगा। जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एग्जाम्स। ना आप पढ़ाई सुकून से कर पाएंगे, और जब ये सारा स्ट्रेस लेके जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ आपसे परफॉर्म नहीं होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई मैसेज देना चाहे दैट यू हैव एक्सपीरियंस कि सर मैं एक मतलब नेगेटिव हो गई तो फिर मैंने इसको ओवरकम कैसे किया, तो शायद हमारे दोस्त को कुछ हेल्प मिल जाए इससे। जी, मैं सर की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, खासतौर पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस परस्यू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में फेलियर इज वेरी नॉर्मल। हर आप CA के बच्चों को देखेंगे, वो तो डेली बेसिस पे ऐसे फेल हो रहे होते हैं, और वो आगे लेकिन उनका पैशन होता है तो वो एट वन टाइम वो कंप्लीट भी करते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप फेल होते हैं, आप परफॉर्म नहीं करेंगे 3 घंटे में, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रॉपर रिवीजन नहीं है, फोकस नहीं है, यू गेट फ्लंक्ड। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं कि आपका पैशन है, आपको कंप्लीट करना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो बिल्कुल अचीव हो सकता है। और हमेशा अपने टीचर्स की गाइडेंस, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस, हर चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें, बिकॉज वो ही एक मेन रोल प्ले करती है आपकी कामयाबी में। वेरी ट्रू, थैंक यू शीरीन, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इंशाल्लाह आप जिंदगी में और आगे कामयाबी की मनाजिल तय करें इंशाल्लाह, और फ्यूचर में भी हम आपको जहमत देंगे। वंस आप थोड़ा सा और ERP के डिपार्टमेंट में अपना एक्सपीरियंस जब आप गेन कर लेंगी, तो मैं फिर आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप फिर लोगों को बताएं कि ये ERP में आके क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ताकि जो लोग ऑडिट के अलावा, टैक्सेशन के अलावा, ERP के अंदर, IT के अंदर अपना करियर देखते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग ACCA और CA, तो वो आपकी जो गाइडेंस है उससे उनको इस्तेमाल मिलेगा, दिल भी इन अ पोजिशन के वो आपसे कुछ सीख सकें। तो हजरात, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इन अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ KNS इंस्टीट्यूट शाइनिंग स्टार। दिस इज साजिद कपाड़िया साइनिंग ऑफ फ्रॉम KNS इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।